तो हमको यह समझना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था देश के लोगों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। कोई भी ऐसी आर्थिक नीति जिसमें देश के लोगों को नजरअंदाज किया गया है वो आर्थिक नीति देश की आर्थिक नीति नहीं हो सकती है। और आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है, नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भरी जाती है, ऐसी आर्थिक नीतियां आज देश के अंदर लाई जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से, कांग्रेस पार्टी का एक काम आम कार्यकर्ता होने के चलते, कि ऐसी कौन सी ऐसी नीति है कि देश गरीब हो रहा है। हमारा आर्थिक आंकड़ा हमको बताता है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर चढ़ करके बोल नहीं रही है। आप तमाम सर्वे उठा करके देख लीजिए, लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इस देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता जा रहा है। वैसी परिस्थिति में जो देश की संकल्पना है, जिसको महात्मा गांधी ने देखा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने देखा है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा, जिसको स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा, जिसको इस देश की संविधान ने इस रूप में वर्णित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है। जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो चार पूंजीपति कैसे अमीर हो रहे हैं। यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौजूदा सरकार चला रही है। आप मुझे बताइए कि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के एक दो पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के शुमार हो जाते हैं। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो, कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं, बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया, बीएसएनएल के बारे में कहा गया, बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा। यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। सरकार क्या करेगी, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब एयर इंडिया नहीं होगा, जब रेलवे नहीं होगा, जब बीएसएनएल नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है। जब देश में जनता नहीं होगी तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है। जब देश में स्कूल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, तो आप मुझे बताइए कि फिर संसद की क्या जरूरत है। इस देश की पूरी संकल्पना है, उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पुनर्विचारित करने की जरूरत है। देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग। डीडी नेशनल पर एक कार्यक्रम आया करता था, नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड में नेहरू जी आम लोगों से पूछते हैं कि बताइए कौन है भारत माता, किसको भारत माता कहते हैं। भारत माता इस देश में रहने वाले लोग हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलने का मतलब है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जय। और 140 करोड़ लोगों की जय का मतलब है कि 140 करोड़ लोगों के हाथ में पढ़ाई हो, 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम हो, 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था हो, 140
140 करोड़ लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें हो, गाड़ियां हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो। और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ लिए हैं। अभी जब मैं हवाई जहाज की बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट याद आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है सिक्योरिटी फोर्स आई थी हमारे एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए। तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। आपके पुरखों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी उन अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आजादी दिलाई, इस बात को याद रखिएगा। ना आपके जेल से डरेंगे, ना आपके मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठियों से डरेंगे, ना आपकी गोलियों से डरेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकूक के लिए लड़ती रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, फायदा होगा तो अदानी का और नुकसान होगा तो LIC का, ये हम नहीं चलने देंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त का और नुकसान होगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो SBI में पड़ा हुआ है उसका, ये हम नहीं चलने देंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असली चौकीदार हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिजॉल्व करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यह जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसमें इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, या वैसे भी लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो सब भारत के लोग हैं। और उनके हकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बचाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघर्ष करेगी। और यही जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और इस देश के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम सम्मानित मंच और आप तमाम प्रतिनिधियों का एक बार पुनः स्वागत करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।